में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब 2,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में नौकरी पाने का सपना देख रही या परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब जल्द ही एक बड़ा मौका मिलने वाला है। कार्मिक विभाग के DIG ने बताया कि बिहार में जल्द ही सिपाहियों की भर्ती होगी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टरों की भी भर्ती होने वाली है। कार्मिक विभाग के DIG रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। इसके अलावा लगभग 2,000 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी होगी। DIG ने बताया कि इन भर्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DIG ने यह भी जानकारी दी कि नियुक्तियां इसी वर्ष होनी है। ऐसे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए ये सुनहरा मौका होगा, क्योंकि अब जल्द ही 20,000 सिपाहियों और 2,000 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज PR लाइव, पटना। में करीब 20,000 से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है और उसके बाद करीब 2,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर्स की फिर से बहाली होगी। कब तक है सर? हम लोग जितनी जल्दी हो पाए इस प्रक्रिया को पूरा करके। प्रोसेस शुरू हो गया क्या? जी, प्रोसेस शुरू है सर। क्या वजह सर, ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है 65% आरक्षण को लेकर, उसके जल्द में भी आएगा सर बहाली? क्या नहीं, उसमें अभी जो वर्तमान जिसके बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है। जो आने वाली बहाली है उसके लिए तो उसमें जिस तरह का दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा उसी के आधार पर करेंगे हम लोग। तो उसमें जो नियुक्ति होती है, जो सिलेक्शन होता है, वो तो जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है या सिपाहियों के लिए जो अलग आयोग है उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग उस उन चयनित अभ्यर्थियों का की नियुक्ति करते हैं। कैसे, इसी साल हो या नेक्स्ट ईयर? इसी वर्ष सर। आज से HRMS से छुट्टी देने।